दोस्तों आज आपके लिए लेके आए बीयरिंग पुलर से कैसे बीयरिंग बाहर निकालते हैं और सीलिंग फैन की संपूर्ण फिटिंग, वो भी मात्र 5 मिनट का। ये वीडियो आपके हर एक डाउट को क्लियर करेगा। अगर आप लास्ट तक बने रहोगे आई होप आप आसानी से अपने पंखे का बीयरिंग चेंज कर पाओगे। और ये जो डिवाइस हैं, ये 2-3 जो छोटी मोटी डिवाइस हैं, वे भी आप खरीद सकते हो मेरे लिंक से। तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर डाल देना और अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये देखो दोस्तों, कूलर को सेट कर लिया और ये नीचे रिंग लगा दिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये पत्ती इसके अंदर कटा होता है, ये इसमें भर दी और आगे दिखा दे दो इसको। बस पकड़ लेगा इसको आगे से, एक मिनट देखो, ये देखो ये आगे ये कोई जकड़ लेगा पत्ती फंसने के बाद, आगे से चौड़ा हो जाता है ना। तो होता क्या है कि इसको बाहर की तरफ खींच लेगा। हाँ सीधा करो इसको। अब ये नीचे वाला नट को भरते रहो, कंटिन्यू ये नट को भरते रहो। देखो बड़े ही आसानी से अपना बीयरिंग दोबारा जाएगा। वरना क्या होता है कि बीयरिंग कूलर के बिना जो बीयरिंग निकालना बहुत मुश्किल है सीलिंग फैन का, और निकलता भी नहीं है। अगर वैसे भी निकलेगा तो तोड़ फोड़ करेगा। ये देखो बहुत ही आसान सी प्रोसेस है, नीचे वाले नट को कसते जाओ बीयरिंग बाहर आ जाएगा। ये देखो बीयरिंग बाहर आ गया। दूसरा भी निकालते हैं। ये देखो दूसरे वाला भी बाहर खींच लिया। इस तरह आप दोनों बीयरिंग बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से बीयरिंग बाहर निकालें उसी तरह से बीयरिंग वापस निकालेंगे। तो आपको ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे सीखने को मिल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप पूरे पंखे की फिटिंग बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ये बीयरिंग कूलर अगर आपको मंगाने हैं तो ये मात्र आपको 120 रुपये में ये पूरा सेट मिल जाएगा। और आप अगर ऑर्डर करना हो तो कमेंट बॉक्स में क्या अपने नंबर डाल दो, तो अब मैं आपके एड्रेस पे इसको कुरियर करवा दूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक नट होता है, नट को बीच से काट के ऐसा जुगाड़ किया होता है नट बोल्ट का, ठीक है। बाकी किसी भाई को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो, बीयरिंग कूलर का सेट उसके घर पहुंच जाएगा। और काम बहुत आसान और छोटा है, बाकी इसमें प्रॉफिट खूब है। ये देखो दोस्तों, दोनों बीयरिंग नए लिए हैं, 6201 और 6202 के। दोनों नए बीयरिंग डालेंगे पंखे में। 2 साल से बीयरिंग चेंज कर देना चाहिए, इसीलिए तो कंपनी वाले जो पंखे की वारंटी है वो 2 साल के लेते हैं, ठीक है। इसको अंदर से साफ करें ताकि धूल मिट्टी बाहर निकल जाए। ये बीयरिंग बैठाया, बीयरिंग का जो नाम लिखा होता है ना नंबरिंग, वो बाहर की तरफ रखा करो। ये देखो बैठा दो अच्छे से। ये देखो दोस्तों, आराम से पूरा बीयरिंग बैठ गया है ना, इसी तरह दूसरा बीयरिंग बैठाएंगे। आप पूरी प्रोसेस में हमारे साथ बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। दूसरे में भी अपना बीयरिंग डाल देते हैं। बीयरिंग का स्पेशल रूप से ध्यान रखो, अच्छी क्वालिटी की बीयरिंग डालो पंखे में। अरे कितने पैसे लगेंगे, 80 या 100 रुपये का खेल है पूरा, कि पंखे में जान आ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, कोई आवाज़ नहीं होगी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करो ना, टाइम टू टाइम ये चीज़ चेंज करवा लिया करो, टाइम टू टाइम करवाया करो। ये देखो फोरमैन जी ने क्या पंखे में ला दी इसकी, यानी आपका बीयरिंग एकदम ओके बैठ गया है। ये देखो कॉम फो कर दिया पूरा दोस्तों। ये आपका स्टेटर है, तो इसको अच्छे से साफ करो। ये पूरे पंखे की धड़कन है, मान के चलो आप अगर ये सही है तो पूरा पंखा आपका सही है। इस पर अपनी मेन वाइंडिंग होती है, इसमें देखो 2 वाइंडिंग होती हैं, एक होती है देखो एक इनसाइड इनर आउटर, 2 वाइंडिंग होती हैं। इसको एक प्राइमरी सेकेंडरी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये देखो पूरा क्लीन कर दिया, पंखे को बैठाओ अंदर, चेक करो आवाज़ तो नहीं कर रहा, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। पूरे पंखे की अपना बढ़िया सी फिटिंग कर लेंगे। ये देखो सही से अपना फ़ैन बैठ जाएगा ना, तो फ़ैन जो आप जब चला के देखोगे ना, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा, कहीं से कोई टच नहीं करेगा, और आपके नट भी अच्छे से लग जाएंगे। उसके बाद पंखे की लगभग फिटिंग हो चुकी है,
अब आगे की प्रोसेस बची है कि पंखे को आपको मैं चला के दिखाऊंगा, पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको ए से जड़ तक सभी चीज़ें ओरिजिनल देखने को मिलेंगी, ये बात आप ध्यान रखें। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मेरे पास पूरी टीम है, पूरी टीम का वर्क तो दिखाता हूँ, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पंखे की फिटिंग करते हुए देखो, चेक करो, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। सेकंड में आपको बताता हूँ, जो ये नट है ना, इनको बिल्कुल टाइट किया करो, यहाँ पे लापरवाही कभी नहीं करनी, वरना पंखा टूट के आपके कपाड़ खोल देगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। देखो तारों को एक एक करके बाहर निकालो। अब इसके कनेक्शन, पहले मैं आपको थोड़ा कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये देखो, इसमें देखो दो वाइंडिंग होती हैं, ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग, दो टर्मिनल होते हैं, रनिंग के दो, स्टार्टिंग के, समझ रहे हो आप बात को, यानी एक कॉइल के दो टर्मिनल होते हैं, दो को अंदर से शॉर्ट कर देंगे, तो दो को शॉर्ट करके हमने एक ये निकाला है, येलो वाला, ठीक है, और ये सेकंड वाले दो बच के हुए हैं, इन दोनों को लगा देंगे कैपेसिटर में, इसको दे देंगे डायरेक्ट सप्लाई, समझ रहे हो बात को। अगर आपकी डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज होगी ना, तो इन दोनों को कर देंगे एक्सचेंज, ठीक है ना। और फोरमैन जी आप दो मिनट के लिए रुको, अब ये देखो दोनों, और जैसा मैंने आपको बताया था, एक सेपरेट लगा दिया येलो को, डायरेक्ट सप्लाई दे दी, और इन दोनों में से किसी भी एक में आप सप्लाई का जो सेकंड है न्यूट्रल वाला तार डाल दो, रेडी। चलो अभी करते हैं इसकी ट्रायल, तो क्या ट्रायल रहता है इसका, अभी आपके सामने है। अभी देखो दोस्तों, सीरीज में चेक करता हूँ इसको, ये देखो ट्रायल सक्सेसफुल। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे वीडियो में आपको ए टू जेड, ये देखो अभी मैंने इसको सीरीज में चलाया है, ए टू जेड पूरा का पूरी आपको प्रोसेस मिलती है। अभी आपको मैं इसको डायरेक्ट चला के दिखाता हूँ, तो इसकी आपको स्पीड देखना, आप काम जो भी होगा 100% होगा। हाँ भाई, वहाँ से ऊपर उठाओ तार को, ठीक है, ये देखो दोस्तों इसको चला दें डायरेक्ट। अब इसकी आप स्पीड देखना, ये देखो वो लगा डिफरेंट। इसी तरह अपना वीडियो कंप्लीट है, अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।